इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 63 में, सेक्टर 63 के एच ब्लॉक 198 बिल्डिंग में। अपने कैमरामैन से कहूंगे किस तरह बिल्डिंग में आग लगी है, आपकी लपटे आप दिखाइएगा दर्शकों को। लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, एक नहीं कई गाड़ियां मौजूद है आग पे काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी मौजूद है यहाँ पर, आग की लपटे इतनी भयंकर है। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी स्क्रीन पे दिखाइए, यह एक फैक्ट्री में आग लगी है। अभी तक कोई कारण नहीं पता चला है कि किस कारण के वजह से ये आग लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह कितनी भयंकर आग है, ये लाखों का नुकसान हो चुका है इस आग की चपेट की वजह से। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं सामने, एक नहीं तीन, दो नहीं तीन नहीं चार चार पांच पांच गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लोगों का जमावड़ा भी यहां पे मौजूद हो गया है आग देखने के लिए। आग इतनी भीषण है, लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। 5 बजे का लगभग लगी है आग। किन कारणों से आग लगी है अभी कुछ नहीं बता पाएंगे इस बारे में। किसी के हताहत होने की कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई खबर नहीं अभी तक, कोई नहीं है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर 5 बजे, शाम 5 बजे आग लगी है बताया जा रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से बोलूंगी, कैमरामैन से बोलूंगी, आप दिखाइए आग की लपटे किस तरह है। धू धू करके आग जल रही है, धुएं का गुब्बार निकल रहा है। फिलहाल अभी तक आग पर कोई काबू पाया नहीं गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, कड़ी मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। भैया आप यहाँ पे काम करते हैं? पता नहीं, हम तो 4:30 बजे देखी हमने, 4:30 बजे आग लगी, धुआं उठ रहा था ऊपर। किसी के हताहत होने की कोई खबर ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। कौन सी फैक्ट्री है ये? 198 एच। क्या काम होता है फैक्ट्री का? काम है, पता नहीं, काम का नहीं पता है। किसी कोई किसी मालिक के मालिक को आया है जिसका फैक्ट्री है? मालूम नहीं जी, हमें अभी कुछ नहीं मालूम है। होगा तो मालूम, उस साइड में होगा। यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है, कोई कारण पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से? नहीं चला बेटा कुछ। कितने बजे लगी? 5 बजे। 5 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है? शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। 5 बजे में 10-5 मिनट कम होंगे। किस वजह से लगी है? वजह कोई नहीं, कुछ लगा, कोई वजह सामने नहीं आई। किस क्या काम हो रहा था? केम उसमें केबिल बनते थे। केबिल बनते थे, मालिक आए यहाँ पे? हाँ, मालिक बाहर कहीं घूम रहे हैं। कितने का नुकसान हो चुका है? नुकसान बहुत हो चुका है। किसी के हताहत होने की कोई खबर? कोई अंदर कोई नहीं था, अंदर कोई नहीं है, सब बाहर है। अब कितने बजे लगी है ये? लगी है 5 बजे करीब, 5 बजे करीब लगी। आपको सूचना कब मिली? हमें तभी मिली, तुरंत आ गए। तुरंत आ गए सर, अब कब तक आग पे काबू पाया जा? बस हो गया थोड़ा, अभी चल रही है प्रक्रिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर? कोई हताहत नहीं। फैक्ट्री में कोई काम तो नहीं चल रहा था सर? नहीं, बंद था, संडे था ना, इसलिए छुट्टी थी। संडे वजह से छुट्टी चल रही थी। लगभग कितना समय लग सकता है, क्योंकि 5 बजे से आग लगी हुई है? ऐसा ना, गत्ता फैक्ट्री है ये, ऊपर जो है पैकिंग का सामान है, गत्ता है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है, पर अभी 60-70% काबू पा लिया गया है, अभी थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी। थैंक यू सर। अभी तक कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी? अभी काउंट नहीं हो पाई, यहाँ है 8-10 गाड़ी तो यहाँ है लगभग। कितनी देर में आग पे काबू पाया? 1-2 घंटे लग सकते हैं। 1-2 घंटे? 5 बजे से आग लगी है सर? हाँ, 1-2 घंटे अभी लग जाएंगे। अभी 1-2 घंटे और लगेंगे। कितनी भीषण आग है? काफी भीषण है, ऊपर पहुंचने का रास्ता नहीं है ना, कोई भी रास्ता नहीं है पहुंचने। बता देंगे सारी चीजें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी 60% आग पर काबू पाया गया है, 40% और आग पर काबू जल्द ही पा लिया जाएगा। आग इतनी भीषण है लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। कैमरामैन सरताज के साथ मैं नेहा परिहार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।